गोर्खालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन दार्जिलिंग और कर्शियोंग के पहाड़ी शहरों में हो रहे ट्रैफिक इश्यूज को कम करने के लिए एक प्रपोजल पर काम करने जा रही है। अक्सर दार्जिलिंग और कर्शियोंग के शहर ट्रैफिक की समस्याओं से परेशान रहते हैं, खासकर जब टूरिस्ट सीजन होता है। खबरों के अनुसार गोर्खालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन ने कर्शियोंग के पास रोहिणी रोड और दार्जिलिंग शहर के पास घूम में दो लोकेशंस को पाया है जहां पर पार्किंग लॉट का निर्माण किया जा सकता है। जीटीए के चीफ एग्जीक्यूटिव अनित थापा के अनुसार जीटीए ने दार्जिलिंग के पास एक स्टेट पीडब्ल्यूडी प्लॉट को आइडेंटिफाई किया है जिस पर एक पार्किंग लॉट बनाने के लिए एनओसी की जरूरत होगी, जिसके लिए अधिकारियों को पत्र लिखा जा चुका है। इसी तरह कर्शियोंग के पास रोहिणी रोड में भी पार्किंग लॉट के लिए एक टी गार्डन लैंड की पहचान की गई है। हाल ही में अनित थापा ने सिलीगुड़ी के दागापुर में दार्जिलिंग और कर्शियोंग से आने वाले ड्राइवर्स के लिए एक रेस्ट हाउस का शिलान्यास भी किया। इस इवेंट के दौरान उन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट लगभग 60 लाख रुपयों में बनेगा और इसे बनाने में लगभग 6 महीनों का समय लगेगा। सूत्रों के अनुसार इस रेस्ट हाउस में ड्राइवर्स के लिए रहने और खाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। ये उन ड्राइवर्स के लिए होगा जिनके घर पहाड़ी क्षेत्रों में है और उन्हें सिलीगुड़ी आकर रहने की सुविधा नहीं मिल पाती। इस रेस्ट हाउस में उनकी गाड़ियों को रखने के लिए भी बात चल रही है, जिस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में गाड़ियों की पार्किंग एक मुख्य समस्या रहती है। घूम से दार्जिलिंग तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर टूरिस्ट सीजन के दौरान आधे घंटे से कम के रास्ते में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाता है। घूम में अगर पार्किंग लॉट बन जाता है तो ये सभी लोकेशंस के ड्राइवर के लिए सुविधा प्रदान करेगा, क्योंकि ये दार्जिलिंग को सिलीगुड़ी, कलिम्पोंग और मिरिक तीनों ही जगह से जोड़ता है। अनित थापा के अनुसार वे जल्द ही टी गार्डन मैनेजमेंट से भी इस प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा करेंगे। अप्रूवल मिल जाने के बाद दोनों ही लोकेशंस पर प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी।